नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और इटली के बीच में एक ऐसी खबर आ रही है जिससे दोनों देशों के बीच में रिश्ते बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, और ये खबर जो है ये भारत के नागरिकों से रिलेटेड है। दोस्तों आइए समझते हैं कि पूरी खबर है क्या, ये भारत के रिश्ते कैसे ख़राब हो सकते हैं इटली के साथ। दरअसल दोस्तों, भारत के एक नागरिक हैं सतनाम सिंह, जो कि पंजाब प्रदेश के मोगा जिले के रहने वाले हैं। 31 साल के सतनाम सिंह इटली में रहते थे, इटली में एक जगह काम करते थे। इटली का लटीना एक जगह है, वहाँ पर एक किसान फैमिली थी, वहाँ पे उनके फार्म हाउस में ये काम करते थे किसानी का। दोस्तों ये वहाँ पे काम करते थे स्ट्रॉबेरी की खेती। तो ये स्ट्रॉबेरी की खेती में वहाँ पे प्लास्टिक मशीन एक है जो स्ट्रॉबेरी को पैक करती है, तो ये रैपिंग कर रहे थे, उसमें इनका हाथ मशीन में चला जाता है और ये बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं। तो इनके जो ओनर थे वो सोचिए कि इनको हॉस्पिटल ले जाने की जगह उन्होंने इनको अपनी गाड़ी में बैठा ला और इनको इनकी वाइफ को आगे जाके एक रोड में ऐसे ही छोड़ दिया। दोस्तों ये सतनाम सिंह 2 साल से उनके यहाँ काम कर रहे थे। ये सोचिए वहाँ के जो एम्प्लॉयर हैं कितने बेरुखे हैं, मतलब ये समझ लिए कि इन्होंने बिल्कुल भी अपने एम्प्लॉय का साथ नहीं दिया, जबकि उनको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था, वो हॉस्पिटल नहीं ले गए, बीच रास्ते में ऐसे ही छोड़ दिया। फिर वहाँ पर जो सतनाम सिंह की वाइफ हैं वहाँ पर बहुत लोगों से गुहार लगाती रहीं, तो वहाँ पर फिर एक किसी व्यक्ति ने उनको हॉस्पिटल वहाँ पहुँचाया, जहाँ पर उनकी मौत हो गई। दोस्तों ये कितना दर्दनाक किस्सा है, अब ये समझ लीजिए कि ये मतलब इनह्यूमन, मतलब अमानवीय एक्ट है। किसी भी सभ्य समाज में ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अच्छा, ये ऐसा इसलिए मतलब जब इनकी स्क्रीनिंग करी गई, इनकी जांच करी गई, तो ये पता लगाया जा रहा है तो पता कि आखिर कैसे क्या हुआ। तो ये कुछ चीज़ें सामने आई कि सतनाम सिंह के साथ पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट थे नहीं। दोस्तों अब अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आप क्या किसी को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देंगे? ये दोस्तों वहाँ पे फिर इसके लिए प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए। फिर वहाँ पे उनकी प्रधानमंत्री जो हैं जॉर्जिया मेलोनी, इनको भी ये बात बोलनी पड़ी कि ये इटली के लिए बहुत ही शर्म की बात है, ये बहुत ही गलत है, ये इनह्यूमन एक्ट है, ये कहा। अब दोस्तों समझते हैं कि सतनाम सिंह आखिर एग्रीकल्चर करने वहाँ गए क्यों। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि इटली में एग्रीकल्चर के लिए लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे वो थोड़ा पे ज़्यादा अच्छे से करते हैं, जो इंडिया में नहीं हो पाता है किसानों के लिए, इसलिए वो इटली में लोग जाना पसंद करते हैं एग्रीकल्चर के काम के लिए। वहाँ ये समझ लीजिए कि 70-80 हज़ार लोगों की ज़रूरत होती है एग्रीकल्चर में। अगर वहाँ पे ये बाहर के लोग अगर एग्रीकल्चर करने ना जाएं, तो वहाँ का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है पूरी तरह से ठप हो जाएगा, वो उतनी तरह से उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। आप ये समझ लीजिए कि पिछले करीब 15 साल हो गए हैं जब से इटली की जो ये पॉपुलेशन है वो लगातार कम होती चली जा रही है, फर्टिलिटी रेट वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है। अब ये समझ लीजिए कि वहाँ पे जब जनसंख्या आगे बढ़ नहीं रही है तो कहीं ना कहीं लोगों की कमी तो हो ही रही है, जब लोग नहीं होंगे तो वहाँ पे आखिर काम करेगा कौन, इसलिए इनको बाहर के लोगों की ज़रूरत पड़ती है। अब ये कुछ लोगों को पेपर प्रॉपर होते हैं तो ले जाते हैं, नहीं पेपर प्रॉपर होते हैं तो भी ये ले कर चले जाते हैं, क्योंकि इनकी ज़रूरत होती है। अब लोग यहाँ पे कई जगह से आते हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से भी लोग आते हैं, जैसे भारत से भी लोग जाते हैं। अब जैसे सतनाम सिंह तो भारत से गए थे, पंजाब के हैं रहने वाले। अब दोस्तों वहाँ पर इस तरह की चीज़ें हुई हैं, अब ये समझ लीजिए कि दोनों देशों के बीच में रिश्तों में खटास बिल्कुल आ सकती है। अब ये जो इंटरवेंशन भारत सरकार ने भी फिर इसमें किया, भारत के जो राजदूत हैं उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि भाई ये आपने कैसे ऐसे हो जाने दिया है, तो इनह्यूमन एक्ट है। तो इटली के लोग तथा वहाँ पर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, वहाँ पर इटली के लोग जो आम सड़कों पे निकले और वो ये इस बात के लिए अपील कर रहे हैं कि ये जो फार्म के ओनर हैं इनको सज़ा मिलनी चाहिए, इनके खिलाफ़ एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को। वहाँ के लोग प्रोटेस्ट ये चीज़ें कर रहे हैं, ये तो खैर अच्छी चीज़ है कि अपने ही लोगों के लिए वहाँ पर अपने लोगों के खिलाफ़ वहाँ पर लोग कर रहे हैं प्रोटेस्ट। उनका ये कहना है कि अगर इस तरह की एक्ट होंगे तो हमारे पास देश में कोई लोग बाहर से काम करने नहीं आएंगे, और जब काम करने नहीं आएंगे तो हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करेगा कौन। दोस्तों आपको ये बता दें कि वहाँ पर
जो अभी प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, ये थोड़ा मतलब राइट विंग वाली लीडर हैं, राइट विंग विचारधारा वाली। तो इनका ये मानना है कि बाहर के लोग इटली में नहीं आने चाहिए, इटली के लोग ही यहाँ पर रहें और वो काम करें। लेकिन ऐसा काम चलता नहीं, जब आपके पास लोग ही नहीं हैं तो आप काम अपना कराओगे कैसे। तो दोस्तों, अगर इनको लगता है कि लोग प्रॉपर वे में नहीं आ रहे, पेपर नहीं है कंप्लीट, तो आप उस देश के लोगों से बात करिए, वहाँ की वीज़ा पॉलिसीज़ वगैरह ऐसी आप अपने ड्राफ्ट करिए कि इन लोगों को हमें देना है या नहीं देना है वीज़ा, तो आपके यहाँ सही लोग आएंगे। लेकिन अगर किसी के पास कोई आ रहा है तो इलाज तो उसे मिलना चाहिए, उसने तो अपनी जान दे दी। उसका सोच लीजिए कि उसका तो परिवार ही ख़त्म हो गया एक तरीके से, वो कमाने वाला बंदा चला गया। दोस्तों, अब इस पर कुछ और अपडेट आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।